में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर प्रतिबंध नियमों के उल्लंघन का आरोप। पीएम मोदी ने जीएसटी में रियायत का दिया संकेत, पतंजलि को बड़ा झटका। एचसी ने कहा इनकम टैक्स की जांच में सहयोग करे बाबा रामदेव। अब खबर विस्तार से। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को सरकार से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ जनवरी 2019 तक ऑनलाइन बिक्री से संबंधी नियमों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा जारी एक रिट याचिका पर जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण की पीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं कर सेवा यानी कि जीएसटी में रियायत के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 99% सामानों को 18% से कम के जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर स्लैब में लाना है। उन्होंने बैंक का कर्ज नहीं चुकाने वालों और भगोड़ों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। नई दिल्ली बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को दिल्ली हाईकोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को निर्देश दिया है कि वे इनकम टैक्स विभाग की जांच में सहयोग करें। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।